आज थोड़ा सा और डिटेल में लूप को देखते हैं और इफ एल्स को समझते हैं, क्योंकि इफ एल्स में मैं समझता हूँ कि अभी आपकी कंफ्यूजन रही होगी। कल मैंने जो एग्जाम्पल किया था वो एक बार आपको फिर दिखा देता हूँ, थोड़ा सा सुजीत रिव्यू। जी, वो जो वही कल का जो एग्जाम्पल दिया था उसकी रिकॉर्डिंग होगी तो आप मुझे भेज दो ना। एक्चुअली आपने अटेंडेंस वाली भेज दी थी मुझे रिकॉर्डिंग। रविंदर जी, अच्छा ओके, मैं वो भी भेज दूंगा आपको, ठीक है फाइल ही भेज, फाइल सर, फाइल। मैं भेज दूंगा। अब क्या करते हैं कि एक हमारे पास कुछ नंबर्स हैं यहाँ, ठीक है जी। कल हमारे पास क्या थे, एक सीध में नंबर्स थे जिसमें हम चेक क्रॉस चेकिंग कर रहे थे। आज हमारे पास नंबर्स हैं कुछ इस तरह से, यहाँ जितने नंबर यहाँ हैं। अब हमें इसमें क्या करना है कि ग्रेटर देन 50 वाले नंबर यहाँ पे लिस्ट कराने हैं, और पहले यहाँ पे कलर कराने हैं, ठीक है जी। उसमें क्या था कि रो था, मैंने एक सिंगल लूप लगाया था, आज आपको डबल लूप का इंट्रो देता हूँ। इसमें क्या करेंगे, कल हमने आई डिक्लेयर किया था, आज आई और जे दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर। लूप के अंदर लूप कैसे चलाना है, तो पहला लूप हम आई के थ्रू जो फॉलो करेंगे वो अपनी रोज को करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे जो हम रोज में बढ़ेंगे तो आई के थ्रू बढ़ेंगे, और कॉलम में बढ़ेंगे तो इसमें बढ़ेंगे। यानी कि हमें करना क्या है, जब एक पे वैल्यू आए तो एक और लूप चले जिसमें ये इंक्रीमेंट होता जाए, और जब वो यहाँ पे पहुंच जाए तो ये लूप रुक जाए, फिर ये वाला कंटिन्यू हो, फिर ऐसे 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 इस लूप में खत्म हुआ दूसरे में, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे दो लूप चलाना चाहता हूँ। सेल का कीवर्ड आप लोगों को पता होगा, देखिए सेल के कीवर्ड के जरिए क्या होता है, सेल के कीवर्ड में रो और कॉलम हम डायरेक्ट इस तरह से देख दे सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे 12 यहाँ डालता हूँ, 10 यहाँ डालता हूँ, और इसकी वैल्यू जो मैं कर देता हूँ 120 कर देता हूँ। जब मैं इसे सेल, सब कहाँ दिक्कत है, सेल्स, तो जब मैं इसे प्ले करता हूं तो 120 मुझे यहां दिखाई देता है, मतलब 12th रो में 120, 12th10th और कॉलम 10th, में। 10th कॉलम में, ठीक है जी, 12th रो में और 10th कॉलम में। तो रो के लिए मैं सिंपल इतना करूंगा, आई में जाऊंगा और इसको जे से रिप्लेस करूंगा, ठीक है जी। अब सबसे पहले जो इसकी वैल्यू होगी, मुझे क्या इसको क्या कराना है, मुझे उनका कलर, मुझे सबसे पहले रेड कलर कराना है जो ग्रेटर देन 50 है। तो सेल्स के साथ आपके ये बाकी चीज भी चलते हैं, फॉन्ट फॉन्ट डॉट कलर इक्वल टू विदी रेड, ठीक है जी। यानी कि रेड कलर में करूंगा, उसमें अपने लूप चलाने हैं। पहला लूप चलेगा मेरा फॉर आई 1 2, कहां तक चलेगा,
रो के लिए 11 तक चलेगा, 11, ठीक है जी। नेक्स्ट आई, आई क्या करेगा, इसकी रो चेंज करता रहेगा, इसके अंदर मैंने क्या किया, अब अगर मैं इसको अभी चलाता हूं, जे में कोई भी एक वैल्यू देके, जे को मैं 1 वैल्यू दे देता हूं, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको चलाता हूं तो आई बार बार बदलता रहेगा, जे कांस्टेंट है, एक है, तो पहले कॉलम में ये रेड कर देगा, अभी ये सबको रेड कर रहा है। मैंने क्या बोला, ग्रेटर देन 50 वाली वैल्यूज होनी चाहिए। तो यहां वही हमारा इफ की कंडीशन लग जाएगी, इफ सेल्स, इसमें आई कॉमा जे डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन 50, देन ये देखिए अपने एक लैंग्वेज की तरह चलता है, जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना, इफ ये हो तो क्या करें, देन, तो ये याद करने में आसान है। देन ऐसा करें, और यहां पे एंड इफ, इफ जब आप स्टार्ट करेंगे तो एंड इफ करना जरूरी है, वरना वो चलेगा नहीं, ठीक है जी। तो ये कंडीशन दे दी। अब जब मैं इसको चला के देखता हूं तो आई की वैल्यू, इसमें ये तब जाएगा इस कंडीशन के अंदर, तब एंटर करेगा, ये स्टेटमेंट तब एग्जीक्यूट होगी जब उसकी वैल्यू 50 से बड़ी होगी। तो जब हम अब इसे यहां से प्ले करते हैं तो इसमें 50 से बड़ी वाली वैल्यू रेड कलर में होगी। अब हमने क्या करना है, जे को डायनेमिक वैल्यूज प्रोवाइड करनी है, जैसे लूप के थ्रू हम इसमें एक एक करके इसको चला रहे हैं, आई हमारा बढ़ता जा रहा है, इसी तरह हम चाहते हैं कि जे भी बढ़ता रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर से पहले एक और फॉर लगा देते हैं, फॉर जे इक्वल टू 1 2, कितनी हमें चाहिए, 1 2 3 4, 4 चाहिए, 4, और नेक्स्ट आई के बाद यहां पे नेक्स्ट जे कर देंगे। अब इसकी रेंज ये हुई और इसकी रेंज ये हुई, ये इसको कहते हैं हम नेस्टेड लूप, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप होता है। अब जब हम इसको प्ले करते हैं, हमारी सारी में वही कार्यस्थानी कराया, सारी हमारी जो 50 से ऊपर की वैल्यूज थी वो यहां पे आ गई। एक कंडीशन और देते हैं, इफ में जब वैल्यू ट्रू होती है, जब ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट चलती है, अगर हमें, अगर वैल्यू फॉल्स हो उसमें कुछ चलाना हो तो मैं एक कीवर्ड यूज करते हैं इफ और एंड इफ के बीच में, एल्स। अब एल्स में क्या करते हैं, हम उसको ग्रीन करा देते हैं, ये भी रेड की जगह ग्रीन कर देते हैं। तो जब वैल्यू ग्रेटर देन 50 नहीं है तब ये ग्रीन कर देगा, इसका कलर मैं पहले जैसा कर देता हूं, और यहां से डेवलपर टैब से मैं यहां से भी मैक्रो रन कर सकता हूं, मैक्रो पे जाऊंगा तो आपके एग्जिस्टिंग मैक्रो जो बने होंगे वो यहां दिखाएगा, क्लिक करूंगा, रन करूंगा, तो इस तरह से मैं अपने डेटाबेस में या किसी भी रिपोर्ट वगैरह में लूप चला सकता हूं। रिपोर्ट्स की बात बाद में, पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को समझे। अब इसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे, जैसे कभी ऐसा आता है हमें
इस तरह का हमारे पास डेटा आ जाता है, उसमें कुछ एवेल्युएशन करना हो तो फटाफट से ही हम लूप चला के उन वैल्यूज को ले सकते हैं। अब बात रही, क्वेश्चन ये रहा कि मेरे को ये जी के अंडर ये सारी जो ग्रीन वाली वैल्यू है यहाँ दिखानी, जो ग्रेटर देन 50 है, जो रेड वाली वैल्यू यहाँ दिखानी है, ग्रीन वाली वैल्यूज इधर दिखानी है, लिस्ट करानी है। तो देखिए इसका जो कॉलम है वो हमारा जी है। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं अब इसमें कहाँ तक वैल्यू आएगी मुझे पता नहीं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे नीचे जाऊंगा, यहां से कंट्रोल अप प्रेस करते हैं ना तो लास्ट वैल्यू पे चला जाता है। मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू होती, मैं जहां भी जाऊंगा कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करूंगा तो मैं लास्ट वैल्यू पे पहुंच जाऊंगा। अब मुझे क्या करना है, उससे एक नीचे उतरना है। तो एक्सेल में इसको किस तरीके से करते हैं, मैं पहले गया जी 65,000 पे, ठीक है, मैंने एंड बटन होता होगा आपके यहाँ कीबोर्ड पे तो उसको एंड मोड कहते हैं, जब आप एंड बटन प्रेस कर देते हैं एक बार तो यहाँ पे एंड मोड लिखा आता है। अब जब भी आप कोई भी एरो की चलाएंगे तो वो कंट्रोल अप कंट्रोल डाउन का ही काम करेगी। अब मैं जैसे अप प्रेस करता हूं, एंड मोड के बाद मैंने पहले 6500 पे गया, 65,000 पे गया, फिर एंड मोड प्रेस किया, फिर अप प्रेस किया, देन एक नीचे उतर आया, एक रो नीचे उतर आया। एंड मोड पे कैसे गया वापस बताएंगे? हाँ जी, एंड का बटन होता है आपके पास पेज डाउन के आसपास, पेज अप पेज डाउन होम की जहां भी होती है वहां पे एक एंड की होती है आपकी। तो जब आप एंड मोड प्रेस करते हैं एक्सेल में, उसका मतलब क्या होता है, एंड मोड मैंने प्रेस किया तो जब आप सिंगल एरो की दबाएंगे तो वो लास्ट डेटा तक पहुंच जाती है, जैसा कि कंट्रोल के साथ दबाने पे होता है। तो एक्सेल में एंड वीजीए में एंड के थ्रू ये डिकोड होता है। कैसे डिकोड कैसे होता है ये देखते हैं। अब जो हमने कलर तो कर दिया, ठीक है, कलर करने तक तो सिंपल था, अब क्या करते हैं, हमें पहले तो ये प्रोसीजर करना है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया। तो मैं इसमें ये करूंगा रेंज, रेंज जहां आपको वो एड्रेस डालना होता है, तो मैं कौन सा था मेरा, ये जी जी 65,000 डाल दिया, क्योंकि लास्ट का ले लेता हूं मैं कि वहां तक तो कोई डाटा मुश्किल ही पहुंचेगा। अब इसके बाद डॉट दबाऊंगा, मैंने क्या दबाया था तब, एंड, एंड डाला मैंने, एंड के बाद ब्रैकेट आपको खोलना पड़ता है। इसमें ये आपकी चार कीज आ जाती हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, मैंने क्या किया था, अप किया था, ठीक है जी। उसके बाद जब मैं एंड करके अप में पहुंचा था, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एंड प्रेस किया था और अप में पहुंचा था, उसके बाद एक नीचे आया था, तो इसके लिए मैंने क्या किया, डॉट ऑफसेट। ऑफसेट में क्या करता है, आपका रो ऑफसेट और कॉलम ऑफसेट, जीरो रो और जीरो कॉलम का मतलब होता है कि वही जहां पे वो है। तो ऑफसेट में मैंने एक रो कहा, मैंने कहा एक नीचे, अगर मुझे ऊपर जाना है उस पोजीशन से तो -1 कर दूंगा तो एक पोजीशन ऊपर जाएगी, जीरो का मतलब मैं वही रहूंगा। तो मैंने कहा एक, और कॉलम मुझे जीरो ही रखना है, कॉलम नहीं बदलना, तो मैं यहां पे जीरो कर दूंगा, ठीक है जी। यहां तक पहुंच गए, अब इसकी वैल्यू, वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहां इक्वल टू प्रेस किया। अब यहां पे जो इक्वल टू ऑपरेटर है वो असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है, मतलब जो आपके राइट साइड की वैल्यू है, जो भी वैल्यू है वो लेफ्ट साइड में एंटर कर जाती है इस लाइन के एग्जीक्यूशन में। तो हमें सिंपल सा क्या करना है, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, सेल्स वाली जो वैल्यू आ रही है जिसको हम चेक करा रहे हैं, अगर ग्रेटर देन 50 वाली है तो इफ के अंदर आ रही है तो ग्रेटर देन 50 आई, तो सिंपल सी जो इसके अंदर वैल्यू है वो इसके अंदर एंटर कर जाए, ठीक है जी। अब क्या करते हैं, इसको कॉपी करके एल्स में डाल देता हूं, जब वैल्यू फॉल्स हो,
तो वो कहाँ की हो गई, एच कॉलम की हो गया। एच कॉलम में हमने यही क्रियाक्रम दोहराना है इसके अंदर। तो रेड वाली वैल्यू मेरी रेड में चली जाएगी, ग्रीन वाली ग्रीन में चली जाएगी। ठीक है जी, मैं एक बार इसको फिर से नॉर्मल कर देता हूँ और अब इसको प्ले करके देखते हैं। जैसे ही मैंने इसको प्ले किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है सर, इसमें कोई डाउट? इस प्रोग्राम को समझने में किसी को कोई दिक्कत? इधर हाँ सर, थोड़ा मैंने हेलो सर बताइए। हेलो हाँ जी सर बताइए बताइए। सर, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। डिम आई आपको जे जे एज ए इंटीजर आपने असाइन किया है इसमें, हाँ जी देन जे इक्वल टू 1 to 4 हाँ जी, देखिए ये आई कॉलम का हुआ राइट। यस कॉलम हुआ। इसमें हम पढ़ रहे हैं, मैं जो नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। आई जे मैंने क्यों यूज किया? जे मैं कॉलम के लिए चला रहा हूँ, आई मैं रो के लिए चला रहा हूँ। ठीक है जी, ये जो सेल्स का फंक्शन है, आई मैं रो और जे में कॉलम। तो अब क्या हुआ, जे में जब एक वैल्यू पहली बार चला जे, तो ये इस लूप में एंटर कर गया, 1 से 11 एक तक मिनट चला। एक मिनट, यस सर, नहीं, एक मिनट, अभी हमने डी आई फिर आई बोले तो रो अपने आप समझ लेगा वो, क्या हमको डिफाइन करना पड़ता? एक्चुअली ये फर्स्ट स्टेप में डिम ये ऐसे नहीं समझेगा सर। इंटीजर का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे हाँ सर, आपका हाँ आई ओके आई जो हो गया, आपका एक एड्रेस हो गया। जैसे मैं इस सेल पे क्लिक किया, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कोई कोई एड्रेस है। ठीक है जी, F3 में क्या है, हम जनरली कहते हैं ना F3 में क्या है, यहाँ पे क्या है, G2 में नहीं सर, क्या है, मेरा डाउट ये है, इसी मेरा बार डाउट ये ये बस। है, हाँ जी मेरा डाउट ये है, आई बोले तो वो रो समझ लेगा, देन जे बोले तो समझो कॉलम समझ लेगा। हाँ जी समझिए, इधर जे हटा दीजिए, डिम आई डैश जे हटा दिए तो कॉलम निकल जाएगा, ये जे मैं हटा मतलब दिया तो हटा हटा दूं तो इस ये मैंने डिक्लेयर कर रखा है सर। आप हालांकि विदाउट डिक्लेरेशन के भी चला सकते हैं। डिम आई खाली आई डालिए, जे को हटा दीजिए बस, हाँ जी, अभी रन कर दीजिए। तब भी चलेगा ये, आप इसको ना भी करें तब भी चलेगा, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो डायरेक्ट इस तरीके से भी हो जाता है। अब डायरेक्ट किसी ने, अगर मैं ए लिख के इसमें 10 कर दूं, तो इसका मतलब है कि ए में 10 की वैल्यू मैं डाल चुका हूं, मुझे इसको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, मुझे इस तरह से करने की जरूरत नहीं होती जीबीए में। पर ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। हालांकि आप ये लैंग्वेज तो ऐसे कर लेंगे, किसी और लैंग्वेज में काम करेंगे तो आपको डिक्लेरेशन करनी ही होगी, इसलिए मैंने आपको डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट समझाया। हाँ सर, मेरे को हाँ अगर मैं चाहूं कि आप हर कोई डिक्लेरेशन करे ही करे, तो उसके लिए मैं ऑप्शन एक्सप्लिसिट, एक ऑप्शन होता है एक्सप्लिसिट करके, उसको ऑन कर दूंगा तो ये डिक्लेरेशन के बगैर काम नहीं करेगा। ठीक है जी, ये तो मैं क्या डिक्लेर बोल रहा हूँ, इधर हाँ जी एक कॉलम एंड रो का हो तो ए, अभी जे बोले तो 1 to 4 कॉलम ले रहा है, आई बोले तो 1 to 11 रो को ले रहा है, हाँ जी ए 1 to 4 रो को भी हो सकता था, मगर हाउ इट कैन अंडरस्टैंड जे को कॉलम के ही लेना है, आई को रो को ही लेना है। देखिए, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो ये फंक्शन है जो मैंने सेल का यूज किया है। सेल में मैंने पहली पोजीशन क्या की है, रो हाँ तो ये रो की पोजीशन है। आई यहां से गेट कर रहा है कि ये रो की पोजीशन है,
ये यहां से गेट कर रहा है कि ये वन की पोजीशन है। तो बोलो तो अभी जहां आपने कर्सर रखा वहां से डिसाइड हो रहा है कौन सा रो वैल्यू है कौन सा कॉलम वैल्यू है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल वहीं से डिसाइड हो रहा है। नॉट फ्रॉम अबो से, हाँ से नहीं हो रहा है, तो अभी कर्सर रखे वहां से डिसाइड हो रहा है। यस 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 आई जे मैं कह देता हूँ। अब देखिए इसमें J1 to 4 समझ रहा समझ में आ रहा है आपको जे हाँ, वो जो, समझ में आया। हाँ हाँ इसका मतलब है कि मैंने जे के अंदर जे मेरा एक वेरिएबल था जिसके अंदर मैंने एक वैल्यू डाली और ये मेरा फॉर लूप है। ये लूप क्या करता है इसको 1 से लेकर 4 तक चलाएगा। पहली बार वन अच्छा मैंने टू अभी थ्री एक मिनट यस हाँ जी अभी 4 तक चलाएगा एक कॉलम को ही चलाना बोले समझ गया। इट हैज अंडरस्टूड फ्रॉम द थर्ड लाइन इफ सेल्स यस 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 इट हैज अंडरस्टूड फ्रॉम थर्ड लाइन करेक्ट करेक्ट। दिस फंक्शन ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं इसमें जो पहला आई जो हाँ पढ़ा है वो रो के लिए है जो जे पढ़ा है वो कॉलम के लिए बस इतनी सी है। आप इसको मैनुअल भी दे सकते थे कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ठीक है जी बट मैं अपने वेरिएबल से वैल्यू उठवा रहा हूँ ठीक है जी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अभी जो रो एंड कॉलम में जो नंबर्स आए वेरिएबल्स हाँ जी हेलो हाँ जी हाँ वो जी नंबर अपने आप लिखा है क्या कैसा। अभी 1 to 4 हमने कॉलम डिसाइड किया रो हाँ डिसाइड किया मगर कॉलम डिसाइड हमने किया यही मगर हमने नंबर हमने खुद एंटर किया क्या अपने आप ले आओ ले लिया। नहीं नहीं सर इसमें देखिए प्रोग्रामिंग है इसमें सब खुद नंबर डालने पड़ते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि ये नंबर ले तो इसका भी एक तरीका है। इसका अगर मैं यहीं पे समझाने लगूंगा तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे इसलिए मैंने अभी आपको सिंपल वे में समझाया है। ये जो वैल्यू है हम डायनेमिक भी कर सकते हैं। हमारे पास एक्सेल में दुनिया भर के फंक्शन है जैसे काउंट का होता है जैसे मैंने आपको ये लेके दिखाया कि लास्ट के नंबर तक मैं कैसे पहुंचूंगा लास्ट एंटर्ड वैल्यू तक कैसे पहुंचूंगा तो ये वाला बताइए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर मैं इसमें भी कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा ये ठीक है। नहीं नहीं मैंने बिगिनिंग में ज्वाइन नहीं हुआ था ना मैंने बोला वो नंबर्स आपने लिखा है हाँ जी कॉलम हाँ एंड रो पे आपने मैनुअल एंटर किया था ना इट्स नॉट ए एक्सेल यस यस कैलकुलेटेड वन। यस यस मैनुअल ओके एंटर थैंक यू किया था डन ठीक है जी। अब आपको ओके डन ओके ये समझ आया इफ एल्स समझ आया हम इफ एल्स क्या कर रहे हैं इफ एल्स कैसे काम करता है ठीक है जी। अब इफ एल्स को हम नेस्टेड भी यूज कर सकते हैं। चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं हम एक ही पेज में कोई और मैक्रो भी डिफाइन कर सकते हैं ठीक है जी। अब थोड़ा सा अपने हमने उन एग्जांपल पे आते हैं जो हमने पहले कर रखे हैं। इफ फंक्शन लगाते हैं ऐसे हम अब उसको समझते हैं। नॉर्मली इफ आपके समझ में आया एक था मान लीजिए कुछ कैंडिडेट्स हैं कुछ कैंडिडेट्स हैं। अब इनका कुछ हुआ इंटरव्यू हुआ राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 तीन राउंड हुए इनके। अब किसी में सिलेक्ट हुए किसी में नहीं हुए ठीक है जी। जजेस ने रिजल्ट दिए तीनों राउंड अलग अलग आदमी ने लिया था किसी में सिलेक्ट हुए किसी में नहीं हुए। तो अब हमारी कंडीशन क्या है कि पास वो होगा जिसको तीनों ने यस किया है ठीक है। तो इफ कंडीशन के जरिए कैसे लगाएंगे इफ लगाएंगे लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे हम इक्वल टू वाई ठीक है जी। वैल्यू इफ ट्रू में अगेन इफ लगाएंगे और देन इसको चेक करेंगे क्या ये इक्वल टू वाई है। फिर इसके अगर ये ट्रू होता है मतलब ये दोनों यस यस हो जाते हैं फिर तीसरा चेक करेंगे क्या ये इक्वल टू वाई है। आप तीनों पे सेटिस्फाई हो गए तो वैल्यू इफ ट्रू में क्या लिखेंगे
सिलेक्टेड, अदरवाइज क्या लिखेंगे, रिजेक्टेड। ठीक है जी, तो इफ के फॉर्मूले को पूरा करते हैं, फॉल्स में रिजेक्टेड। लास्ट वाले में रिजेक्टेड, ओके, इसको ड्रैग करेंगे। अब एक तरीका तो ये हो गया जिसमें हमें सिलेक्टेड रिजेक्टेड का हम इस फॉर्मूले के थ्रू करते थे। मतलब अब इसके फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए, इफ में हमने एक लॉजिकल कंडीशन दी, वीबीए में कैसे करेंगे, लॉजिकल कंडीशन दी, देन तब क्या होना है, एक और इफ लगना है और उसके देन में एक और इफ लगना है, एल्स में हमें लास्ट वाले इफ के एल्स में रिजेक्टेड डालना है, बाकियों के एल्स में रिजेक्टेड डालना है। ठीक है जी, तो इसको लगाएंगे कैसे, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ रिजल्ट। इसको वीबीए के थ्रू कैसे करेंगे, ठीक है जी। सर एक मिनट, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, जब बताइए। वो इसका फॉर्मूला जो लगाया था आपने, सिलेक्टेड एक बार, सिलेक्टेड एक बार लगाया, रिजेक्टेड 3 बार लगाया फॉर्मूला यस, में, हाँ जी। अब देखिए, हम उसमें करते हैं जहां पे इसको समझने के लिए, यहाँ इसको चेक करते हैं, ठीक है जी। फॉर्मूला इवेल्युएशन में जाते हैं, ठीक है जी। इवेल्युएट किया हमने, पहला वाई है, ट्रू आया तो ट्रू के हिस्से में गया ये, ट्रू में फिर इसने चेक किया पहला वाई है तो इसके ट्रू में गया। अब यहाँ पे ये चेक करेगा वाई नो है तो क्या उठा लेगा, रिजेक्टेड, रिजेक्टेड में चला गया। ठीक है जी, और इन सब में भी सर रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, ठीक है जी। देखिए, एक इफ मैंने जब चालू किया था, लॉजिकल टेस्ट इसका ये था, वैल्यू इफ ट्रू ये थी और वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये यहीं पे नो हो जाता तो क्या रिजल्ट दिखाता, वैल्यू इफ फॉल्स में देना था ना मुझे। अब दूसरे में फॉर्मूले में आया, दूसरे इफ में लॉजिकल टेस्ट ये था, ट्रू में तो ये चलता आगे फंक्शन में, अगर यहीं पे रॉन्ग हो जाता तो क्या जाता, रिजेक्टेड। तो इसके लिए था ये। दैट मींस आपने ट्रू के लिए तीनों को एक ही चलाया, हाँ जी, रिजेक्टेड हाँ के लिए तीन अलग अलग। हाँ जी, ट्रू में कंडीशन ज्यादा थी ना, पहले हमने यहाँ चेक किया, यहाँ यस, अगर यही नो होता तो पहले ही रिजेक्टेड दे देता। ठीक है जी, ये मैंने ऐसा सेट किया कि यहाँ अगर नो मिल जाए तो पहले ही रिजेक्टेड शो कर दे, क्योंकि हमारा तीनों का होना चाहिए यस। अगर ये यस है पहला वाला तभी अगले पे चले, ठीक है जी। राइट, हाँ तो ये वाला था, अब राइट, एप के अंदर मैं रिजल्ट इसका देने वाला हूँ। अब क्या करेंगे हम लोग, एक लूप चलाते हैं। लूप कहां से कहां तक चलाएंगे, 2 से लेकर 7 तक, 2 से लेकर 7 तक। अब डिम आई एज इंटीजर, पहला हमें क्या करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी फॉर लूप आई इक्वल टू, 2 से शुरू करना है और 7 तक चलना है, नेक्स्ट आई, अब देखिए ऑफसेट का आपको फॉर्मूला याद होगा, ऑफसेट कॉलम में भी बढ़ा सकते हैं, अगर मैं 1 दूंगा तो वो यहाँ बढ़ेगा, 2 दूंगा तो यहाँ बढ़ेगा, 3 दूंगा तो यहाँ बढ़ेगा, हम यहाँ से भी इसको नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है जी, और हम ये जानते हैं कि ए के अंदर ही हमारे नेम्स हैं, तो हम रेंज के फॉर्मूला के थ्रू इसको करते हैं। अब क्या करना है, हमें इफ की कंडीशन डालनी है, इफ
रेंज ए और इसमें कंकैटिनेट कर देंगे उसको जैसे हमने कल किया था आई के साथ डॉट वैल्यू। अब इस डॉट वैल्यू से पहले ये तो हमारी सेम हो गई, हमें क्या चेक करानी है बी की, तो हमें ऑफसेट पे आना होगा, डॉट ऑफसेट हम कर देते हैं, रो जो है हमारी वही रहेगी, कॉलम जो है हम एक बढ़ा देंगे, ठीक है जी। डॉट वैल्यू इक्वल टू वाई, यहां चेक किया, देन पहले इसका एंड इफ लगा दीजिए, ठीक है जी। अगर वाई है तो हम क्या करेंगे, एक और इफ करेंगे, यहां क्या करेंगे, रेंज ए ले लिया, कंकेटिनेट कर दिया आई के साथ, डॉट ऑफसेट में क्या करेंगे, वही जीरो, अब यहां क्या दे देंगे, कॉलम ऑफसेट में टू, नेक्स्ट वाले को चेक कर रहे हैं, डॉट वैल्यू इक्वल टू वाई, फिर से देन कर देंगे। देखिए जो मैं टैब में इनके ये देता हूं, इससे इसको आइडेंटिफाई करना आसान होता है कि एंड इफ कहाँ लगाना है आपने, कई बार छूट जाता है, पर इस सिस्टम से करेंगे तो नहीं छूटेगा, ठीक है जी। अब क्या लगाना है मुझे, यहां पे एक और इफ लगाना है, इफ रेंज ए एंड आई डॉट ऑफसेट जीरो और यहां पे थ्री, डॉट वैल्यू इक्वल टू वाई, देन अब ये लास्ट वाला था हमारा, हमने क्या दे देना है इधर पे, रिजल्ट वाला जो है हमारा, या तो हम ऐप से कर सकते हैं या डायरेक्ट यहां से ऑफसेट दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 ऑफसेट दे सकते हैं डायरेक्ट, या हम डायरेक्ट यहाँ पे बी सी भी लिख सकते थे, ऑफसेट की जगह यहाँ पे बी सी भी लिख सकते थे, पर ऑफसेट को मैं समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूं। अगले में मैं क्या कर देता हूँ, एफ के साथ ये कैनकेटिनेट कर देता हूँ, देन रेंज एफ एंड आई डॉट वैल्यू इक्वल टू सिलेक्टेड, अगर ऐसा पूरा हो जाता है तो सिलेक्टेड, ठीक है जी। नहीं तो वैल्यू फॉल्स में क्या देना था मुझे, यहां मैं कर दूंगा एल्स में, इसी में रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, ठीक है जी। जैसा कि मैंने बताया एंड इफ करना जरूरी है, इसका एंड इफ कर दिया मैंने, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, यहां पे लगाना है एल्स, यहां पे सेम लाइन कॉपी कर लेता हूं मैं, अब देख रहे हैं सबका एंड इफ है, यहां पे फाइनल वाले का एल्स लगा के, ठीक है जी। ये बन गया प्रोग्राम हमारा, एक बार चला के देखते हैं इसको, ठीक है जी, सेम है, ये प्रोग्राम क्लियर हुआ। एक क्वेरी है संदीप,
हाँ जी सर, तो आप प्रोग्राम में आ जाइए। हाँ जी ये जो बताइए। लास्ट वाले दो एल्स लगाए हुए हैं, क्या विदाउट बगैर क्या होगा वो देखना था। क्या अगर वो मतलब, नहीं लगाते तो क्या होता? अगर हम अगर एल्स हम ले, लास्ट में जो एल्स लगाए हुए हैं, सेकंड इफ, फर्स्ट इफ में हमने एल्स कंडीशन पे रिजेक्टेड दिया, हाँ सेकंड और थर्ड में नहीं लगाते तो क्या आता, वो सर, देखना था एक्चुअली। अगर हम नहीं लगाते सर तो उसमें कुछ भी नहीं होता। मतलब उसमें, अगर उसमें रिजेक्टेड आ रहा है और जिस टाइम उसे रिजेक्टेड की जरूरत है वो वहां नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहां कुछ नहीं करता, मतलब खाली छोड़ देता। क्या हम एक बार चेक कर सकते हैं इसको? हाँ बिल्कुल। मैं क्या करता हूँ, हम मैं जैसे हम क्वेट लगाते हैं ना, सिंगल हाँ क्वेट, उसको यूज कर देते हैं, तो हमारा जो है इन दोनों पे लगा देता हूँ, तो ये डिसेबल हो जाती है, एज ए कमेंट हो जाती है, तो ये चलती नहीं है, एग्जीक्यूट ओके नहीं होती। तो अब मैं क्या करता हूँ, ओके इसको डिलीट कर देता हूँ और अगेन वो मैक्रो चलाते हैं। ये चला दिया, अब क्या हुआ? ठीक है जी, जो हमारे तीसरे लूप में, तीसरे इफ में लगा था वही रिजेक्टेड चला, बाकी ब्लैंक रहा। ठीक ओके है जी। अब क्या हम इसे ऐसे मेथड में चल सकते हैं जहां पे दो बार बंदे ने राउंड क्लियर किया है तो वो सिलेक्ट होना चाहिए, भले थर्ड वो रिजेक्ट हुआ तो भी चलेगा? हाँ ऐसे भी चला सकते हैं, जैसे तीन में से दो राउंड होने ही चाहिए। ठीक है जी, तो तीन में से हाँ दो राउंड मैंने ऐसा कह दिया, उसको सिक्वेंशियली होना चाहिए, और तीन में से दो राउंड जो है वो हमारा लूप के थ्रू होगा, काउंटर के थ्रू होगा। पर उससे पहले मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है जी, उसको मैं घुमाने से अच्छा मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा। इसका एक और फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग, जैसे हम उसके लिए यूज करते हैं कि किसी भी राउंड में सिलेक्ट हुआ बंदा किसी भी राउंड में यस हो गया तो वो सिलेक्टेड होना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्टेड होना चाहिए। मतलब जब नो आए, जब तीनों से नो हो जाए तभी पत्ता कटना चाहिए। ठीक है जी, अदरवाइज किसी में भी यस हो तो दिखाए तो सिलेक्टेड होना चाहिए। इसका हम किस तरह से बनाते हैं, पहले इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। पहला चेक करेंगे ये यस है, वैल्यू इफ ट्रू में क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट सिलेक्टेड दिखा देंगे अगर यस है तो। ठीक है जी, किसी एक में भी होना। फॉल्स में क्या करेंगे, यहां नहीं तो यहां, यहां चेक कर लेंगे दूसरे में क्या ये यस है, हम इसको सिलेक्टेड दिखा देंगे। अगर इसमें भी नहीं है तो हम फिर इसको एक चांस दे देंगे, फिर वही अगले में ट्राई मार ले, अगला दे आओ उसमें कम से कम पास हो जाओ, तो यहाँ पे यस करेंगे। मैंने कहा चलो यहाँ यस हो गया, फिर से सिलेक्टेड। जैसे एंड और कंडीशन लगती थी ना उसी तरह से। अब जब तीनों में ही नहीं हो सका तो फॉल्स में मुझे मजबूरन रिजेक्टेड देना पड़ेगा। ठीक है जी, कुछ इस तरह का हमने अब सेट करना है। सब में सिलेक्ट हो गया, लास्ट वाले में रिजेक्ट हो गया। ठीक है जी, तीनों में से नहीं पास हुआ, तो उसमें हमने जो सारी वर्किंग की वो फॉल्स में की, एल्स में की, और बाकी एल्स के अंदर इफ लगाते चले गए हम। अब इससे शुरुआत होती है हमारे एल्स इफ की।
ठीक है जी, इससे अलग पैटर्न पे चलते हैं, एक अलग से मैक्रो डिक्लेयर करते हैं, सेम सब कुछ यही होगा, थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। मैं इसको कॉपी करके नेक्स्ट पे आ जाता हूँ, यहाँ पेस्ट कर दो। यहाँ पे जो मैं इफ का पैटर्न चेंज कर देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ। अब करेंगे हम इफ रेंज ए, या फिर डायरेक्ट यहां से बी दे दे एंड करके आई डॉट वैल्यू इक्वल टू वाई, देन क्या दिखाना है हमें, सिलेक्टेड रेंज एफ एंड आई डॉट वैल्यू इक्वल टू सिलेक्टेड, ठीक है जी। यहां पे सिलेक्टेड हो गया। अब हमें एल्स के अंदर इफ लगाना था, यहां पे हमारा एक कीवर्ड होता है एल्स इफ, ठीक है जी। एलिफ चलता है, एल्स इफ चलता है, एल्स इफ, एल्स इफ ये जो कंडीशन है मैं कॉपी कर लेता हूं ऊपर से सी के लिए, देन एल्स इफ में भी रॉन्ग हो रहा है। एल्स इफ इकट्ठा लगता है, हाँ इकट्ठा लगता है, ठीक है जी। अब इसमें एंड इफ कर देता हूँ, एंड इफ, एक इफ का बंद होना जरूरी होता है। तो एल्स इफ में हमारी एक कंडीशन आ गई, अब इसमें क्या करना है हमने, वही फिर से कंडीशन आ गई और हमने इसमें देना था, इसमें भी सिलेक्टेड ही देना है। ठीक है जी, यहाँ पे सिलेक्टेड देना है, देन एक और एल्स इफ लगा देते हैं। एक और हम एल्स इफ लगा देंगे, ए बी सी, बी सी डी, यहां पे दे देंगे यही सेम चीज। यहां तक तो सिलेक्टेड था, अब अगर इसमें नहीं आ पाया तो क्या लगाना है हमें, सिर्फ एल्स। इस एल्स में मैंने दे दिया रिजेक्टेड, ठीक है। तो ये इस पैटर्न पे चलता है, एल्स के अंदर अगर आपने इफ लगाना है, कंडीशन लगानी है, तो एलिफ की कंडीशन लगती है, एल्स इफ की, ठीक है जी। अब प्ले करके देखते हैं इसके रिजल्ट को, साइड में कॉपी कर देते हैं और असली रिजल्ट देखते हैं। इसका नाम बदल देते हैं, बैट कर दो इसका, बैट को मैं रन करके देखता हूँ।
आ गया ये सीन। तो इसमें आप, सही। इसमें आपने इन डेप्थ में इसका यूसेज जाना है, इसका और लूप का, फॉर लूप का, ठीक है जी। ओके अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी हम लूप पे कल और बढ़ेंगे आगे, क्योंकि इन लूप का इफ एल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ये दो कंडीशन को कैसे करता है, अगर वो क्वेश्चन था एक्चुअली। दो कंडीशन का मतलब जैसे मतलब अगर दो बार वो पास है, सिलेक्टेड है, तो वो सिलेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज फेल होना चाहिए। दो बार पास है तो, दो बार पास है तो मिनिमम टू टाइम्स शुड बी पास। दो बार वो किसी में भी पास हो सकता है, वो लूप के थ्रू, लूप के थ्रू चलेगा वो। इसमें फिर ये आपका काम नहीं करेगा, काउंटर चलेगा। जैसे इसमें आगे टू, का पार्ट हो गया क्या वो? हाँ, तो मैं आपको कल आपका यही एग्जांपल बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है भैया। मतलब इसी का ही पार्ट है, उसमें इसी कंडीशन में एक और लूप चल जाएगा कि जैसे ये हर बार काउंट करेगा कि सिलेक्टेड था कि नहीं था। मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है जी। अगर जैसे ये सिलेक्टेड है यहाँ, तो इसमें मैं कर दूंगा पहले जैसे जे को मैं कर दूंगा जीरो, यहाँ पे जे को मैंने कर दिया जीरो। अब मेरा जे चलेगा इधर, अब यहाँ पे मैं कर दूंगा जे इक्वल, अगर यहाँ पे है सिलेक्टेड वाले फेस में आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा जे इक्वल टू जे प्लस वन, मतलब जे अपनी एग्जिस्टिंग वैल्यू में प्लस वन करेगा, ठीक है जी, जीरो में प्लस वन कर। फिर से सिलेक्टेड है तो जे इक्वल टू जे प्लस वन, ठीक है जी। और फिर इसमें भी लास्ट में यही दे दूंगा जे इक्वल टू जे प्लस वन, ठीक है जी। और नीचे है तो कोई जरूरत ही नहीं। अब ये पूरा होने के बाद, ये लूप पूरा होने के बाद एक्चुअली इसको लूप के अंदर देना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक बार में चेक करना है ना, तो हमने एक बार जी, हर बार जब लूप चलेगा तो जे जीरो पे सेट हो जाएगा, लास्ट में ये एंड इफ जाएगा और नेक्स्ट से पहले अगर दो बार यस है तो मैं ये नेक्स्ट आई से पहले इसको क्या करता हूं, एक और इफ लगा देता हूं, इफ जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटर देन वन कर देते हैं, ठीक है जी। एक से बड़ा होगा दो ही होगा, ठीक है, तीन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एक से बड़ा होना चाहिए बस। देन मैं इसमें जो अपना रिजल्ट है उसके आगे एच में सेट कर देता हूं, एच में रेंज एच एंड आई डॉट वैल्यू इक्वल टू लिख दूंगा सिलेक्टेड, ठीक है जी। नहीं तो एल्स में क्या कर दूंगा, रिजेक्टेड डाल दूंगा, बस आपकी ये कंडीशन हो गई पूरी। एंड इफ करना पड़ेगा मुझे, ठीक है जी। अब चला के देख लेते हैं क्या सही चलता है नहीं चलता। वो रिजेक्टेड करना पड़ेगा, आपने सिलेक्टेड अच्छा डाला अच्छा हुआ अच्छा हाँ रिजेक्टेड करना पड़ेगा।
वेक्टर, ठीक है जी। अब इसको मैं प्ले कर देता हूँ, इसमें अभी हुआ नहीं है, क्या चक्कर है? नहीं, हो गया ना, जी में किया था, एच में किया था, एच में किया था। ये अगर एक से बड़ा है तो ये हर एक में सिलेक्टेड होके आया, बट किसी में रिजेक्टेड हो गया। इज ग्रेटर देन टू लगाइए, क्यों बोले तो उसमें थोड़ा एक में रन नहीं हुआ हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वो। अब ये अब देख टू लेते हैं पे यहाँ अभी क्या रन हो। होगा। ग्रेटर देन टू, दो से बड़ा, नहीं, देख लेते हैं। रो नंबर 4 में देखिए आना था, वो नहीं आया। रो नंबर 3 सेलेक्टेड। ये एच में, अच्छा एच में आना चाहिए था। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक मिनट, कौन सा चला रहा हूँ, बैच चला रहा हूँ। रिजेक्टेड, एल्स रिजेक्टेड। चलिए कल करेंगे इसको, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है जी। आप ये फाइल भेज दीजिए संदीप। इसमें क्या हो रहा है, हर बार ये जीरो, जे में एग्जिस्टिंग वैल्यू में जे प्लस वन हो रहा है, वन हो गया। अगर नहीं हुआ, नहीं, इसी कंडीशन से हो जाना चाहिए था, होना तो इसी से चाहिए था। इक्वल टू टू। आपका ये एल्स वाला कंडीशन जो है ना संदीप, आप इसमें आ जाइए, मैं बताता हूँ, प्रोजेक्ट में आ जाइए प्लीज। हाँ जी, आपका ये जहां पे आपने इफ जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 डाला है ना, हाँ जी, उसके ऊपर एक इफ चल रहा है आपका, उस वजह से कुछ हो रहा है क्या? नहीं ये तो चलना ही है ना, ये तो चलना ही है। ये ऐसा है कि ये पूरी रो की नहीं, कैलकुलेशन, ये एल्स की बात कर रहा हूँ, इसके नीचे वाली एल्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो वाली। तो यहाँ पे ही क्लोज हो गया, एंड इफ में, एंड इफ में तो क्लोज हो उसको गया वो ओवरराइट कर देगा। है। नहीं, ओवरराइट नहीं कर देगा, वो अलग है, ये अलग है, ये अलग इफ एल्स है, वो अलग इफ एल्स भाई है। यहाँ पे आप वैल्यू तो असाइन कर रहे हो ना उसे। नहीं, इसका कल करेंगे हम लोग, अभी मेरा नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है एक्चुअली, तो मेरा दिमाग भी इसमें नहीं लग रहा है एक्चुअली। चलेगा, हाँ तो आप ये फाइल भेज दीजिए संदीप जी प्लीज। ठीक है सर, मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ। वीडियो आज की ये रिकॉर्डिंग और मेरे ये को भी ये फाइल दे दीजिए, मैक्रो आएगा ना उसमें। हेलो, हाँ जी, मैक्रो आएगा। मैक्रो के लिए ना आपको एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक में सेव करना होता है, आप ध्यान रखिए इसको। तो मैं मैक्रो करके सेव कर देता हूँ, देखता हूँ सर। बाकी आप लोग खुद के लॉजिक बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है जी। सर एक आपके पास 1-2 मिनट टाइम है? एक्चुअली मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, 10:30 का बैच होता है उनका भी। ओके सर, थैंक यू, राइट। तो हम कल डील करेंगे जो भी बात होगी। अरुण जी, आपकी आईडी है मेरे पास वीडियो के लिए? अरुण मुद्दा बोल के है सर, कल दिया था। कल आपने दिया था मुझे, मैंने मेल करी थी। अरुण मुद्दा, ARUNMUDDA। अच्छा, कल मैंने मेल कर, अच्छा ये कर रखी है आपको, ठीक है ठीक है ठीक है जी। अरुण मुन्ना, महेंद्र भूरे और प्रति, एस प्रति, आप ठीक है प्रतीक जी, मैं भेज दूंगा अटेंडेंस मॉनिटरिंग के लिए।
ठीक है देवेंद्र जी, चलते हैं, कल मिलेंगे फिर से। सर। आपको भेज दी देवेंद्र जी मैंने। ओके गुड नाइट।